गुड इवनिंग, कैसे हैं बेटा? सॉल्यूशन एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11, मोशन इन अ प्लेन, चैप्टर नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4.20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन यहां पर है। क्वेश्चन को पढ़िएगा। द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय आर इक्वल टू 3.0 टी आई कैप माइनस 2 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 4 के कैप मीटर, वेयर टी इज इन सेकेंड्स एंड कोएफिशिएंट्स हैव द प्रॉपर यूनिट्स फॉर आर टू बी इन मीटर। मतलब आर मीटर में पोजिशन है। फाइंड आउट वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। पहला हमें बताना है कि वी और ए क्या है, यानी सिंपल वैल्यू बतानी है। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। जब टाइम 2 सेकंड हो तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, एनसीईआरटी में और कुछ बुक्स में जब किसी वेक्टर क्वांटिटी को रखते हैं तो उसमें इन्होंने एरो नहीं लगाया होगा, लेकिन ऐसे केस में ये वी ए और आर जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इनको बड़े बोल्ड लेटर से लिखते हैं, बड़े डार्क लेटर से लिखते हैं। तो ये भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर लेटर को बड़ा डार्क करके लिखा जाए तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इस पे एरो ना लगा हो लेकिन ये डार्क है, इसका मतलब ये वेक्टर क्वांटिटी है। सॉल्यूशन में आ जाइएगा। देखिए आर इन्होंने दे रखा है आप 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप, इसे इक्वेशन 1 ले लेते हैं, वे टी इन सेकेंड आर इन मीटर, वी एंड ए बताना। बड़ा सिंपल सी बात है, वी इक्वल टू बेटे डी आर अपॉन डी टी होता है। वेक्टर लगा लीजिएगा डी बाई डी टी। आप इस पूरे को डिफ्रेंशिएट करें तो 3t आई कैप माइनस 2t स्क्वायर जे कैप प्लस 4k कैप, या डिफरेंशिएट करके बेटे यहीं पर वैल्यू रख रहे हैं। 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। डी बाई डी टी, टी क्या होता है 1 होता है, आई कैप माइनस 2 को कॉमन निकालिए। डी बाई डी टी, टी स्क्वायर क्या होता है 2t जे कैप। यहां पर 4 कांस्टेंट है बेटा, जब इसे टी के रेस्टोरेंट डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, 0 के कैप। तो वेलोसिटी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 4t जे कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर का आंसर है। आप इक्वेशन 1 डाल दीजिए लेकिन एक आंसर आपको मिल गया है। ऑप्शन ए में वी और ए पूछा था। देखिएगा वेलोसिटी टी के टर्म में आ रहा है, इसका मतलब टाइम वेरी करेगा तो वेलोसिटी वेरी करेगी, इसका मतलब वेलोसिटी वेरिएबल है। अब आइए ए के लिए। एवरीबॉडी नोज बेटा एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है डीवी बाई डी टी, ये आएगा। देयरफॉर अगर आप इसको डिफरेंशिएट करें वेलोसिटी को, विच वॉज 3i कैप माइनस 4t जे कैप, आप इसे डिफरेंशिएट करें तो ए विल बी डी बाई डी टी, 3 कॉन्स्टेंट है, 0 आ गया, आई कैप माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, डी बाई डी टी, टी 1 होता है, 1 जी कैप। तो एक्सेलरेशन तो बेटा माइनस 4 जी कैप आ जाएगा। ये सेकेंड आंसर आ गया पार्ट ए का। देखिएगा बी पार्ट में, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 2 सेकंड। देखिए वेलोसिटी देखो टाइम का फंक्शन है, ये कहते हैं टी इक्वल टू 2 सेकंड पे आप वेलोसिटी बताइए। तो बी पार्ट में देखो क्या लिखोगे, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड वी इक्वल टू क्या आएगा, पहले हम टी की जगह पर ये वैल्यू रखते हैं तो वी इक्वल टू आ जाएगा 3i कैप माइनस 4 इंटू टी की जगह पे 2 रखिएगा जी कैप, तो ये बेटा 3i कैप माइनस 8 जी कैप आएगा। तो वेलोसिटी 2 सेकंड पर 3i कैप माइनस 8j कैप आता है, इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर t इक्वल टू 2 सेकंड पर इतना आता है। इसको इक्वेशन नंबर आप चाहें 3 रख दीजिए। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें पता करना है तो आप इसे लिख लें, इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एवरीबॉडी नोज v, अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो एरो हटा दीजिएगा। i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी माइनस 8 स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 9। 8 स्क्वायर क्या होता है 64, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा बेटा 64 प्लस 69 इज 73। ये वैल्यू इसकी लगभग अंडर रूट 73 या स्क्वायर रूट 73 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ये आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा 8.54 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही आया, लेकिन अब ये पूछते हैं कि एंगल कितना बना रहा है। आप एक चीज देखिएगा, ये वेलोसिटी वेक्टर को जिसका आई कोएफिशिएंट 3 है और जे कोएफिशिएंट माइनस 8 है, इसको अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे आएगा। यानी ये वेक्टर जो है इस कोऑर्डिनेट में तो हो नहीं सकता है क्योंकि वाई माइनस जे है, ये वेक्टर कुछ ऐसे है। अब देखिएगा ये वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर कुछ ऐसे है, इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस पर ये कितना जा रहा है आप देखें, एक्स एक्सिस पे इसने 3 और वाई एक्सिस में माइनस 8 है, इसीलिए नीचे ले गए हैं, ये वैल्यू हो जाती है माइनस 8।
मैग्नीट्यूड में लिखना चाहे तो सिर्फ 8 लिख सकते हैं। अब बताइएगा ये एंगल क्या बना रहा, सपोज वेलोसिटी मेक्स एंगल अल्फा हियर, तो आप बताइएगा टेन अल्फा क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस अपॉन दिस। सपोज वेलोसिटी मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, तो सपोज वी मेक्स एंगल अल्फा विद एक्स एक्सिस, देयरफॉर टेन अल्फा इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड लिखिए बेटा, इसका मैग्नीट्यूड यानी कि सिर्फ 8 के बराबर होगा, दैट इज मॉड ऑफ माइनस 8 अपॉन बेस इज 3, यानी 8 बाई 3 आएगा। बेटा देखिए आपके पास कैलकुलेटर है, आपके पास टेबल है, तब तो वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप क्या लिखे, टेन इनवर्स 8/3 ये आ गया। आंसर यहीं पे छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि अगर टेबल ना हो तो इसकी वैल्यू आप नहीं निकाल सकते। अगर मैं इसका आंसर टेबल देख के लिखूं तो लगभग 70 डिग्री आता है, और किस एक्सिस के साथ, विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ हमने लिया ही था। तो ये बी पार्ट का आंसर आ गया कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड इज दिस, एंड वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एंगल ऑफ 70 डिग्री ऑलमोस्ट विद एक्स एक्सिस, और ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये -8 से आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 का, ये क्वेश्चन नंबर 4.20 यानी 20 का सोल्यूशन था। आप अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो सब्सक्राइब करें और लाइक कर दिया करें। थैंक यू।